साथियों नमस्कार। अब यह भी की बड़ी खबर इस वक्त निकल कर सामने आ रही है, बीजेपी नेता का शव पंखे से लटका मिला है। साथियों ये खबर तेलंगाना से निकल कर सामने आ रही है। साथियों आप भी मौत की वजह जानकर अभी साफ नहीं हुआ है, तो साथियों आपको पूरी जानकारी देंगे, इस वक्त निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें। तेलंगाना के एक भाजपा नेता गणेन्द्र प्रसाद का शव सोमवार को हैदराबाद स्थित उसके बता दें कि पेंट हाउस में मिला है। जी हाँ, उनके पेंट हाउस में शव मिला है। प्रसाद के पर्सनल असिस्टेंट ने उन्हें पंखे से लटका पाया। शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या मान रही है। हालांकि उनके पास से किसी तरह का सुसाइड नोट नहीं मिला है और न ही अब तक आत्महत्या करने के पीछे कारणों का पता चल पाया है। जानकारी के मुताबिक मौत से पहले भाजपा नेता ने अपने पीए से कहा था कि वो आराम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करे। वो अपने कमरे में चले गए और काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकले। इस पर उनके पीए ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पीए ने कमरे की खिड़की को तोड़कर अंदर देखा तो प्रसाद का शव पंखे से लटका मिला है। पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह सूचना मिली कि मियारपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने खुदकुशी की है। तुरंत एक टीम को मौके पर भेजा गया जहां भाजपा नेता का शव पंखे से लटका मिला है। उनके शव को नीचे उतारा गया और पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल भेजा गया है। गणेन्द्र प्रसाद सरलिंग पल्ली निर्वाचन क्षेत्र के पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे। पुलिस ने बताया कि भाजपा नेता पता थे कि प्रसाद का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन वे पिछले कुछ दिनों से भाजपा नेता अपने पेंट हाउस में ही रह रहे थे। पुलिस ने प्रसाद के परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया।